बिग बॉस ओटीटी का फिनाले हो चुका है और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि दिव्या अग्रवाल बिग बॉस ओटीटी की विनर बनी है। लेकिन इससे पहले जो है बहुत सारे चर्चाएं हो रही थी कि बिग बॉस जो है कहीं ना कहीं समीता सेट्ठी को बिग बॉस का विनर बना सकती है, क्योंकि हमने देखा कि जितने भी संडे का वार हुआ उसमें करण जौहर हमेशा ही समीता सेट्ठी को डिफेंड करते हुए नज़र आए, चाहे समीता सेट्ठी गलत हो या फिर सही हो। करण जौहर को जो है हर संडे का वार में समीता सेट्ठी को डिफेंड करते हुए देखा गया और कहीं ना कहीं सीधे सीधे करण जौहर समीता सेट्ठी के पक्ष लेते हुए भी नज़र आए, जिसके बाद ये कयास और भी ज़्यादा बढ़ गए थे कि क्या समीता सेट्ठी को ही बिग बॉस ओटीटी का विनर बनाया जाएगा। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो दिव्या अग्रवाल के फैंस थे उन लोगों ने इस तरीके से वोटिंग की है, उसके बाद कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी शायद अपना मन बदलने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से जितने भी वोटिंग ट्रेंड्स आई थी आप लोगों को पता होगा कि जब से फिनाले वीक में वोटिंग ऑन हुई उसके बाद लगातार दिव्या अग्रवाल के जो फैंस थे वो वोटिंग कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो मार्जिन थी दिव्या अग्रवाल और बाकी के कंटेस्टेंट में वो बहुत ज़्यादा था। और अगर हम बात करें तो तकरीबन 39 से 45% के बीच में अकेले दिव्या अग्रवाल को ही वोटिंग हुई थी और ये कहीं ना कहीं बिग बॉस के ही इतिहास में 1% को मिले वोट में सबसे हाईएस्ट है। और इतना ज़्यादा वोट जो है अभी तक किसी भी एक सदस्य को नहीं मिले थे जितना कि दिव्या अग्रवाल को मिला, तो जिसके बाद बिग बॉस को भी शायद अपना मन बदलना पड़ा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चैनल्स है जो कि पोल्स करते हैं इस तरीके की, उसमें अगर हम बात करें तो जो दिव्या अग्रवाल के सबसे कम वोट मिले हैं उसमें 38% था, यानी कि 68% सबसे कम अगर हम बात करें, और हाईएस्ट की बात करें तो 75-76% तक वोट जो है दिव्या अग्रवाल को गए थे कि उनको जो है बनना चाहिए बिग बॉस ओटीटी का विनर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बिग बॉस को भी अपना फैसला शायद बदलना पड़ा। अब अंदर की बात क्या है वो तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जिस तरीके से करण जौहर नज़र आ रहे थे और पेश आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं ये साफ अंदाज़ा था कि कहीं ना कहीं जो बिग बॉस का झुकाव है और करण जौहर का झुकाव है वो समीता सेट्ठी के ओर ज़रूर था। लेकिन अगर हम बात करें निशांत भट्ट की, तो आप सभी को पता होगा कि निशांत भट्ट वोटिंग ट्रेंड में 4th नंबर पर थे, लेकिन उसको जो है बिग बॉस ने टॉप 2 बताया और निशांत भट्ट बने पहले रनर अप। इसके अगर हम पीछे देखें तो कहीं ना कहीं निशांत भट्ट अभी लगातार जो कलर्स टीवी है या फिर अगर हम बात करें तो इंडो साइनमल इंडिया है उनके साथ कंट्रैक्ट में है। आप लोगों को पता होगा कि जो निशांत भट्ट है वो अभी डांस दीवाने में भी कंट्रैक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उनको शायद इसी चीज़ का बेनिफिट मिला। साथ ही साथ जिस तरीके से वो गेम खेल रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को भरपूर इंटरटेन किया, शायद उसको ये इनाम मिला और निशांत भट्ट को जो है पहला रनर अप बनाया गया, जबकि निशांत भट्ट की वोट समीता सेट्ठी से थोड़ी कम थी। तो इस तरीके से बिग बॉस ने कुछ अचानक से फैसले लिए हैं फिलहाल में जो कि हम सभी को सरप्राइज़ कर गया निश्चित रूप से। खास करके अगर हम बात करें तो निशांत भट्ट के जो फैंस हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था जो कि बिग बॉस ने दिया। तो सरप्राइज़ से भरा रहा बिग बॉस ओटीटी का ग्रैंड फिनाले और हम सभी को बिग बॉस ओटीटी के हिस्ट्री की पहले विनर के अगर हम बात करें तो दिव्या अग्रवाल के रूप में मिला और रनर अप के रूप में निशांत भट्ट मिले। तो इन दोनों को जो है कहीं ना कहीं बिग बॉस के इतिहास में याद रखा जाएगा, ओटीटी के इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि पहले सीजन के विनर और रनर अप के रूप में ये दोनों सामने आए हैं। तो आप लोग कितना ज़्यादा खुश है या फिर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से डिजर्विंग विनर क्या दिव्या अग्रवाल ही थी या फिर किसी और को विनर बनना चाहिए था ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और निशांत भट्ट को पहले रनर अप बनाना क्या ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था या फिर नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ बिग बॉस 15 से जुड़ी हुई, जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी जरूर देंगे। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।